गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो जय भोलेनाथ। क्योंकि आज है सोमवार, तो स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो आज है सोमवार, तो मेरा और अशोक का उपवास है। तो मैं अभी जाऊंगी शिव जी के मंदिर, क्योंकि तो दूसरी सोसाइटी में मैं जाऊंगी मंदिर और फिर दर्शन करके चाय पानी पीऊँगी। तो अभी मैं हो गई हूँ फ्री और रेडी भी हो गई हूँ, अभी निकलती हूँ। तो आपको भी थोड़ा दिखाऊंगी सोसाइटी हमारी। वो मंदिर तो दूसरी सोसाइटी में है, मगर हमारी सोसाइटी होकर ही जाना पड़ता है वहाँ पे। तो आपको भी दिखाऊंगी। अभी श्रावण महीना चल रहा है, तो शिव जी की भक्ति भक्तजनों को बहुत वहाँ भीड़ होती है। तो अभी मैं ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो आपको मैं अच्छे से सब दिखाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, अभी लेट नहीं करती है और मंदिर चलते हैं। तो अभी मैं बाहर निकल गई हूँ और अभी देखते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूँगी मैं, सोसाइटी पूरी दिख सके। ये पूरी लाइन है वहाँ तक, 35 है। और अभी ये है, ये भी है हमारी सोसाइटी। ये पूरा वहाँ तक एंड तक है। अरे ये भी हमारी सोसाइटी है आगे भी। और यहाँ पे महाराज बोलते हैं उसकी केबिन है, इमरजेंसी में सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे बच्चे वगैरह को। तो अभी ये है मंदिर, यहाँ से पूरी सोसाइटी है, सत्यम पार्क है ये, उसी के सोसाइटी में ही मंदिर है उसका। भीड़ थी तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई हूँ। अभी मैंने दर्शन कर लिए हैं और अभी घर जा रही हूँ मैं, क्योंकि आज सोमवार है तो मंदिर, हर मंदिर में भीड़ ही रहती है। तो थोड़ा बहुत वीडियो उतारा है मैंने, अशोक एडिट करके आपको दिखा देगा। अभी घर जाके चाय पानी पीऊँगी और आज भी नक्श को लेने जाना पड़ेगा पैदल, क्योंकि हरि की तबीयत ठीक नहीं है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ये हमारी पूरी सोसाइटी है, ओ अच्छे से मैं नहीं दिखा पाई थी आपको जाते वक्त, क्योंकि लोग खड़े थे। तो अभी अच्छे से वीडियो ले लेती हूँ। ये पूरा मकान वहाँ तक है, 30 मकान है इस लाइन में, हमारे वाली लाइन में। ये हमारी लाइन है, यहाँ से वहाँ तक। और एक सामने की लाइन है, वो भी वहाँ तक है एंड तक, यहाँ से फर्स्ट से वहाँ तक। तो हेलो दोस्तों, तो अभी भाई मैं आ गया हूँ जॉब से और अभी बैठा हूँ। वैसे भी आज तो सोमवार है, तो आज सुबह गीता गई थी मंदिर भी, उसने थोड़ा बहुत शूटिंग किया था, लेकिन क्योंकि कभी व्लॉग बनाया नहीं है और आसपास में अगर कोई शूटिंग करते तो लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं, तो उसको शर्म भी आ रही थी। तो
तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे इधर उधर करके आप देख आप शुरू में देख सकते हो कि किसा चेंज वो वीडियो शूट हुआ है, क्योंकि सही तरीके से मंदिर भी नहीं दिखाया है और बस थोड़ा बहुत हुआ है शूटिंग, तो आपने देखा होगा, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से शूटिंग नहीं हुआ है, क्योंकि गीता गई थी और उसको भी शर्म आ रही थी, क्योंकि कभी बाहर जाके ये लोग बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लोग भी आ जा रहे थे तो वो उसके हाँ बोल वो लोग भी आ जा रहे थे तो वैसे ही उसके मुंह सब के आ रहे थे तो मैं कैसे करती, फिर वो भीड़ भी थी मंदिर में तो ज़्यादा मुझे भी शर्म आ रही थी, सब मुझे ही देख रहे थे कि ये दर्शन करने आई है कि वीडियो उतारना, उसको पता तो नहीं होता है हर किसी को कि यूट्यूब में डालते हैं, इसलिए थोड़ा शर्मा भी रही थी मैं, तो जितना मुझसे हुआ मैंने उतार ली तो क्या बाहर जाते हैं तो लेडीज भी होती है तो सबका तो चेहरा हम लोग नहीं दिखा सकते उसका परमिशन के, इसीलिए थोड़ा वो अवॉइड किया है, अवॉइड किया है क्योंकि लेडीज का चेहरा आ जाता है वीडियो में तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, दूसरा वो उसकी परमिशन के बिना हम नहीं दिखा सकते, इसलिए वो नहीं ठीक से, भीड़ होती है तो ऐसा ही होता है, और अशोक होता तो थोड़ा बहुत कर भी लेता मुझे यकीन है, और मेरा मुझे इतना शूटिंग करना नहीं आता तो थोड़ा बहुत मैंने किया हाँ छोटा सोसाइटी भी दिखाना था लेकिन पूरा नहीं दिखा रहा, दो लाइन दिखा पाई है क्योंकि दूसरी सोसाइटी में भी लोग खड़े थे तो वो शर्मा घर घर पे लोग खड़े थे तो मैं कैसे ऐसे उतारती, सब आ जाते हैं और तो इसलिए नहीं उतना वीडियो नहीं बना पाए, अगर आगे से अगर आगे जाके हम लोग उतार पाएंगे तो फिर से अच्छी से हम लोग दिखाएंगे आपको, तो ये लोग के लिए हम लोग माफी चाहते हैं कि जैसा गीता ने थोड़ा शूटिंग किया है उसको थोड़ा और इतना शूटिंग करना मुझे नहीं आता अशोक की तरह, और वो पता नहीं क्यों वो बोलता है ऐसे करो मगर मैं देखती हूँ तो मुझे सही लगता है, फिर वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, मैं ट्राई कर रही हूँ अभी क्योंकि उतना शूटिंग अशोक जितना तो मैं अच्छा नहीं कर सकती, मैं भी उसका तो एक्सपीरियंस है ना, मैं भी थोड़ा बहुत ऐसे कर ट्राई करते हैं एडिटिंग हो जाए ऐसे चल निकल जाता है कुछ, तो फिर भी कोशिश किया है तो आज के लिए सॉरी दोस्तों मुझसे जितनी हुआ हो उतना मैंने किया दिखाया और वैसे ये गीता जो साफ कर रही है ये घर पे, ये मैं जैसे कल संडे का था तो कल मैंने साफ सफाई की थी, तो जैसे कुछ ऐसा कुछ काम नहीं रहता था तो मैं बना एक बार बनाया था मैं तो एक ये बना है अभी एक ही डिमांड मैंने की है मगर उसमें भी मेरी गलती क्योंकि वो ये सब बना रहे थे और वो कुछ नीचे गिर गया था सामान वामान वो पूरा फैला दिया, तो मैंने बोला कि ऐसा सब फैला के रखते वो बनाने में, तो उसको गुस्सा आ गया था, एक तो मैं उतनी मेहनत करके बनाता हूँ और तू फिर ऐसा ही बोलती है तो अभी बनाना पड़ेगा दूसरा, फिर इसके ये बनाया तो सबको मैंने दिखाया था सब बोल रहे कि इतना अच्छा बना है, बाजार में लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलेगा, महंगा मिलता है मतलब, तो इसे ये घर पे तो इतने में बन जाता है, तो फिर अभी दूसरा वहाँ रखने के लिए बनाना है, अब बस मान जाए तो ठीक है तो क्या घर पे बनाते हैं तो फिर अगर कोई बोलता है अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और बीच में टोक देता है तो फिर दिमाग हिल जाता है, तो मैंने मना कर दिया कि ये तो चलो मैंने शुरू कर लिया था काम तो ये मैं थोड़ा ये बना देता हूँ एक, फिर इसके बाद मैंने प्रोजेक्ट नया कुछ चालू नहीं किया है, फिर बाद में मुझे बोल रही थी कि आप सबने तारीफ की ना तो मुझे बोल रही थी कि अभी एक और दो ऐसा बना दीजिए, तो फिर मेरा अभी मूड नहीं कर रहा है, जब मूड बनेगा तो अभी सॉरी बोल रही हूँ कि अब जितना भी फैला अभी तो टाइम ही नहीं है, मैं साफ कर दूंगी एक बार बना दो तो अभी वो जब ऐसा कुछ गिफ्ट लेने जाते हैं तो वहाँ उसने दाम पूछा था ना तो 500-700-1000-1200 से कोई नीचे नहीं आता है, तो उसने सोचा कि ये तो सस्ते में बन जा रहा है तो मुझे बन जा रहा है तो मुझे मना रही थी, लेकिन अभी मेरा जब ये मन करता है कुछ चीज बनाने का तो निकलता है बनता है, तो अब जब मन करेगा तब मैं बनाऊंगा, अभी बनवा के ही रहूंगी आप देखना बना के ही रहूंगी, हाँ नक्श के नखरे चालू हो गए, जैसे वीडियो चालू करते हैं तो नक्श के नखरे चालू हो जाते हैं, वो बाद में हमें कमेंट में पता चलता है कि या तो कोई फोन करके बोलता है कि नक्श ऐसे कर रहा था तब ध्यान जाता है, एडिटिंग में ध्यान नहीं जाता है। तो महादेव की आरती के बाद के दर्शन है, आरती हो गई है और बहुत ही सुंदर श्रृंगार किए हैं महादेव के, और ऊपर भी यहाँ पे दिए बहुत सारे दिए लगाए हुए हैं यहाँ पे,
देख सकते हैं तो महादेव की आरती हो चुकी है अभी, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आदमी लोग थे तो नहीं दिखा पाया आपको। तो दोस्तों अभी आरती करके सीधा हम लोग आ गए हैं बाहर में खाना खाने, क्योंकि आज उपवास था तो वैसे आरती करके थोड़ा लेट हो गया था। तो हम लोग सीधा गीता बोले अभी सब्जी और खाना बनाने में टाइम लगेगा और उसके बाद बोल रही एनर्जी डाउन हो गई है थोड़ा, तो बोले कि हम फरार नहीं किया था पूरा दिन ही उपवास ही था, बोले थोड़ा बाहर चलते हैं। तो मैं बोला चलो चलते हैं, इसमें क्या है। और तो फिर आ गए बाहर क्योंकि गुजराती थाली है, घर जैसा ही खाना है मिलता है यहाँ और अपने बजट में ही है, 100 रुपया एक थाली का रहता है तो सस्ता भी है और अनलिमिटेड है, अच्छा है, गुजराती थाली है। तो हम लोग मैं और गीता और नक्स यहाँ पे खाना खाने आ गए हैं, आपको दिखाते हैं क्या मेन्यू है आज का। और नक्स और गीता भी चालू हो गए हैं और मेन्यू में आज का क्या है, आलू का है सब्जी, सेव टमाटर है, दाल मखनी है, ये अचार है, सलाद है, चटनी है, भाखरी है, बाजरे का रोटला है, रोटी है और छाछ है और कटी और खिचड़ी भी आएगा। तो नक्स ने पहले स्टार्ट कर दिया है और वो वेफर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है उनका। कैसा है नक्स? बहुत अच्छा है। नक्स और गीता को मज़ा आ गया है तो थोड़ा खाना खा लेते हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों खाना खा के आ गए है क्योंकि आज थोड़ा एनर्जी डाउन हो गया था गीता का और लेट भी हो गए थे आरती में से आके, तो सोचा कि चलो आज हाँ बाहर खा लेते हैं। और या बाहर में जॉब करते हैं मतलब बाहर में रहते हैं तो सप्ताह में एक दिन तो लगभग फिक्स रहता है, हम लोग तो बहुत कम जाते हैं। हाँ, हम तो कम और जाते हैं तो भी ये बस ये गुजराती जो थाली है वही खाते हैं क्योंकि तेल मसाला वाला ऐसा कुछ होता नहीं है तो घर पे ये सब बना लेते हैं, सिंपल सादा रहता है और आप कितना भी खा लीजिए आपको कभी वो प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हम लोग बस वही होटल फिक्स है तो वही जाते हैं हम लोग क्योंकि कभी लेट हो गया कहीं जाने तो फिर वहाँ ही चले जाते हैं। तो बस अभी खाना खा के आए, बहुत ही अच्छा खाना। यहाँ पर इसी है देखो नक्स के पैर में इसी। हाँ नक्स कुछ बोलना चाहता है नक्स? हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय, सी यू स्वीटिंग, बाय बाय, हमें नए ब्लॉग में मिलते हैं, हे भोलेनाथ। बस अपना ही चैनल का और कुछ बात नहीं करना है तुमको है? नक्स का फिक्स रहता है हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो मैंने भी अभी बोल दिया है तो चलो दोस्तों बाय। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में।